गाइस बस स्टैंड रायपुर का और हमारा बस उधर लग चुका। हम लोगों के पहुंचने से पहले क्यों नहीं पहुंचे? सोया था मैं। आ रहे हैं तो उठना चाहिए ना, 5:06 बज गया मेरे को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह देख सकते हैं मैं खा रही हूँ फ्राई चावल। और असल बात ये है कि हम लोग का टूर तो पहले ही ख़त्म हो गया था, बस बस चलने का हाथ होते थोड़ा सा लेट हो गए, तो आज जाने का है तो तैयारी चल रहा है। बाबू वगैरह तैयार हो गए, ढोलक को लेके जाऊँगा बोल रहे हैं, तो फिर हम लोग को घर से छोड़ दे रहे हैं रायपुर तक। तो फिर तैयारी कर रहे हैं, बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। तो लेने वाला सामान को पैक कर रहे हैं गाड़ी में। तो गाइस सुबह सुबह दीपू आ रहा है, क्या ला दे रहा है दीपू? उधर से नहीं दिखेगा, क्या लाया है दीपू भैया? रोटी, मम्मी का फेवरेट ना, मम्मी भेजी है, आयो भेजी है। तो गाइस दीपू मायके से रोटी ला दिया है, अच्छा रोटी, तो हम लोग इसको लेके जाएंगे। और दीपू इस बार नहीं जा रहा है, बस रोटी छोड़ने आया था। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है बताएगा? कुछ बहुत न्यायालय में काम है और गैप सर्टिफिकेट बनवाना, गैप सर्टिफिकेट बनवाना है और आय प्रमाण पत्र बनवाना है। तो हाँ, तो इसका काम नहीं हो पाया है तो ये नहीं जा रहा है। इस बार हम लोग बस जा रहे हैं, मैं नीति और बाबू। तो घर से तो छोड़ने जा ही रहे हैं। हाँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है जो। हाँ ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा रायपुर में परेशानी होगा क्योंकि उधर हम लोग रायपुर से उधर बस में जाने वाले हैं, तो चलेंगे। पापा पास जा रहे हैं, कैसे जा रहे बाबू? घूर से घूम जा रहे हैं, बस में जाएगा, बस में जा रहे हैं। क्या ऐसे नहीं खाते हैं? बकरे चॉकलेट खा लेना, इसको मैं क्या करूं गाइस? बाबू ने चॉकलेट खाने दी है क्या? तो सह किए दादी को आउट। आप ना बेटा, चलो चलो चलो। तो गाइस चलते हैं, निकलते हैं घर को, बाय बाय घर। चलो हाँ नहीं जाएगा भैया। बाय दादा, बाय पापा पास। अब पकड़ दे। इधर आओ बेटा, नीति मौसा को बैठाओ। नीति के मौसा भी जा रहे हमारे साथ। चलो तो गाइस अभी हम लोग पत्थल गांव पहुंच गए हैं और यहाँ पे डीजल डलवाने के लिए रुक गए हैं अपनी गाड़ी में। उसके बाद में फिर हम लोग निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं सो रहा है? हाँ बाबू सो रहा है, बोल रही थी नहीं सोया। और ये हम पहुंच गए हाटी, तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे शायद। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। खाएगी बेटा नीति? मैं समोसा खाऊंगी। समोसा खाएगा? आइसक्रीम खाएगा?
और मैं तो खाऊंगी गाइस खाना, क्योंकि एक बज गया है और मुझे तो भूख लग गया है। और हम लोग को जब भी हाथी यहाँ समोसा देना, एक पीस खाएगी ना समोसा के लिए, और मेरे लिए चावल दो एक प्लेट। हाँ, और मैं खाऊंगी खाना। और अभी हम लोग सुबह निकले थे घर से, तो शाम तक पहुँचेंगे रायपुर। फिर रायपुर में ना 10 बजे मेरा बस है नारायणपुर के लिए, तो फिर 10 बजे बैठेंगे और कल सुबह पहुँचेंगे। तो बने रही है हमारे ब्लॉग में। मेरा नीति का समोसा, मिर्ची दे दी, मिर्ची भी चाहिए, तला वाला मिर्ची पता नहीं। हम लोग का भात आ गया, बड़ी जोर की भूख लग गई है, उसके मौसा भी खा रहे हैं समोसा और चावल। और बाबू खाने वाला है, क्या खाएगा बाबू तू? हाँ जी आ रहा है आइसक्रीम, ठीक है मम्मी मेरे पापा लोग लोग चाय पी रहे। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम आएगा, वो लाएंगे भैया। ये तो आ गया बाबू का आइसक्रीम। मम्मी मैं भी यही वाला। बाबू मिला, वाओ खा। यहाँ पे नीति को उल्टी जैसे लग रहा था पर हुआ नहीं। बाबू क्या देखेगा, नहीं जाना है पानी देखेगा, गाड़ी के ऊपर से पानी देखे। क्या खाते खाते जा रहे हो अभी? बदमाशी कर रहे हैं दोनों। हाँ बदमाशी नहीं करना चाहिए। बदमाशी नहीं करो बेटा। तो नीति लोग दुकान गए थे कुछ लेने खाने का। क्या लिए बेटा? दो मेरा पैसा। फाइनली हम रायपुर पहुंच गए हैं और यहाँ पे अपने पहचान के हाँ पहुँचते के साथ में बाबू मजा आ रहा है। सभी हम लोग दे के पहुँचे हैं रायपुर। रायपुर में रिलेटिव के यहाँ घुसे हैं और मेरा तो भयानक सिर दर्द देने लगा है। और यहाँ हमारे आने से पहले ही खाना वाना बना के तैयार रखे थे और हमें खिला रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी और सफर करना है। क्या यहाँ मिला चिकन? नीति तो उतना सारा नहीं सकेगी, कम करो, रुको प्लेट लाते हैं। हाँ आराम हो गया, चलो जाना है कि है? गुड़िया लोग से नाम नहीं पूछी थी, अभी नाम पूछ लेते हैं। बड़ी वाली भाग रही है, नाम बता के जाओ बेटू, चलो नाम बताओ अपना अपना, मैं भी नहीं जानती हूँ। तमन्ना लग रहा है मेरा नाम। तमन्ना लग रहा, ये तो मिली थी चर्च के पास ना, ये गुड़िया तो मिल चुकी है, नाम नहीं बताई थी उस दिन चर्च के पास, बताओ। तमन्ना लग रहा, सौम्या लग रहा, देख रहा है। तो मिली थी नीति, रायपुर में भी मिल गए है ना, पूरी नारायणपुर भी आना ना तो फिर दीदी लोग के यहाँ रुके थे, खाना वाना खाए, आधा एक घंटा आराम किए, धन्यवाद परेशान किए हम लोग नहीं उसके बाद में फिर अभी निकलेंगे नाइट बस में, फिर सुबह कल पहुँचेंगे। आप लोग आइएगा ना, ठीक है, नारायणपुर हम लोग को भी सेवा करने का मौका दीजिएगा। हम यम्मी यम्मी चिकन खिलाए, खाना खिलाए, भरपेट और जाएंगे। जब पहुंच गए बस स्टैंड, हाँ बेटा पहुंच गए गाइस बस स्टैंड रायपुर का, और हमारा बस उधर लग चुका है तो हम लोग अभी जा रहे हैं बस के पास। कैसे बांधे हैं
पर आ गया है। सामान मेरा बहुत सारा हो गया और भैया लोग अभी बैठाएंगे और फिर जाएंगे वापिस। ये रहा मेरा बस। और जस्ट उधर नीति के मौसा का भी बस लग चुका है बीजापुर जाने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। रायपुर से छूट चुकी हमारी बस, रात भर का सफर है, मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे हम लोग नारायणपुर। तो देख सकते हैं यहाँ मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब उतरने का टेंशन है सामान के साथ में। नीतू, नीति उठो बेटा, उठो 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 उठो, पहुँच गए, उठो। नीति के पापा को लेने बुलाए हैं, पता नहीं वो भी आ रहे हैं कि नहीं। उठो बेटा उठो, सब उतर रहे हैं। नीति उठो, कैसे दिख रहे हैं भूतना पप्पा, ये सो क्यूट हैं। हम लोगों के पहुंचने से पहले क्यों नहीं पहुंचे? सोया था मैं। आ रहे हैं तो उठना चाहिए ना, 5 बज 6 बज गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा अंधेरे में हम लोग कहाँ पहुंचे हैं ना बिट्टू। तो हमारा नारायणपुर का बस स्टैंड, ये पापा पास जा रहे हैं बोल बोल के आया है ना बाबू, शर्मा रहा है बाबू ले, ये बाबू 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 बड़ा शर्माता है। चलो सो जाना, अभी बजाऊंगा ना। तो गाइस हम लोग अच्छे से पहुंच चुके हैं नीति के पापा के पास नारायणपुर, और हमारा सफर अच्छा रहा, हमारे साथ तो आप लोग बने ही रहे थे। और हम लोग आज सुबह 5 बजे पहुंच गए, और इनका कंडीशन देखिए, आगे बताएंगे हमारे बिना कैसा था। ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।